सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाके में एक दुकान से स्मार्ट घड़ियां और बूट खरीदने के बाद पैसे मांगने पर कुख्यात बदमाश अनिकेत काले और उसके साथियों ने दुकानदार अक्षय पलिवार को जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी। अक्षय की शिकायत पर बदमाश अनिकेत काले, उसके साथी रजत उर्फ लल्ला, निखिल फटिंग, बाजारी एवं एक अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आशीर्वाद नगर हुड़केश्वर रोड निवासी अक्षय पलिवार की घर में ही ब्रांड विला 17 नामक दुकान है। 4 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अक्षय की दुकान में अनिकेत, रजत, निखिल, बाजारे व अन्य एक युवक पहुंचे, स्मार्ट घड़िया और बूट खरीदी। आधा बिल देने के बाद कहा कि बाकी पैसा हफ्ता समझो। अक्षय और उसके कर्मचारियों ने पैसा देने के लिए दबाव बनाया तो आरोपियों ने अक्षय को धमकाते हुए उसे दुकान के सामने ही जलाकर मार डालने की धमकी दी। आरोपियों ने दुकान के काउंटर का कांच भी फोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। या प्रकरणामध्ये रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहे अनिकेत काळे आहे, रजत उर्फ लल्ला शर्मा आहे, निखिल उर्फ श्रीकांत फटिंग आहे आणि बाजारे आणि एक अननोन व्यक्ती त्यांच्याबरोबरचा, यांच्या विरुद्ध हा खंडणीचा आणि गैरकायद्याची मंडळी जमवली याबाबतचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदर प्रकरणामध्ये फिर्यादीच्या दुकानात जाऊन यांनी बूट आणि घड्याळांची खरेदी केली, पूर्ण बिल दिलं नाही त्याला, अपूर्ण दिलं आणि हा आमचा हप्ता समज असं म्हणून तिथून निघून जायला लागले। फिर्यादीने त्यांना टोकले असता फिर्यादीच्या टेबलवरचा काच फोडून तिथे जरा दहशत निर्माण केली आणि हे 5-3 पैकी काही लोकांचं गुन्हेगारी गंभीर स्वरूपाचं असं रेकॉर्ड आहे आणि यांना त्याचप्रमाणे एक हुडकेश्वरच्या एका प्रकरणातही त्यांना अटक करण्यात आली 2 आरोपींना आणि काल रात्रीच सक्करदरा पोलिसांनी 2 गुन्हेगारांना याच्यातल्या अटक केलेली आहे। एक आरोपी अजून अटक होणे बाकी आहे, त्याचे प्रयत्न चालू आहेत आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। इस घटना के बाद आरोपी काले को हुडकेश्वर इलाके में पुलिस ने हंगामा करते हुए पकड़ लिया। काले को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सक्करदरा पुलिस ने आरोपियों पर हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।